ये कूड़े की थैली हो गई। बाय। चलो टैची नीचे करनी स्टार्ट करो। बाय मैनिक्स। ले चुकी हूँ मैं। हेलो अमीगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू व्लॉग एंड वी आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री। और गले की हालत थोड़ी टाइट है, इफ़ यू कैन हियर इट इन माय वॉइस। ऑटो चल रहा है एंड अभी थोड़ी देर में वी हैव आवर बस अराउंड आधे घंटे बाद। तो हम साइड में ही एक पार्क दिख गया था, मैंने कहा यहाँ पे बैठ जाते हैं आधा घंटा, देन वील गो टू द बस स्टेशन। अभी वी आर एट पारी बरसी सेन, तो हम यहाँ से थोड़ी देर बाद जाएंगे। आई हैव फ्रूट्स और बाकी देखते हैं कि कहाँ पे स्टॉप लेना है। आज तो सीरियसली बताऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट बिकॉज मेरी बॉडी खिंच ली है, मैंने बहुत खींच दिया है। आई जस्ट नीड फुल ऑन रेस्ट। फिजिकल बॉडी पेन नहीं है बट मेरे गले की बैंड बज रही है और मेरे आई सॉकेट में अभी भी वही वाला जो है ना, आँखें ऐसे से ऐसे करो तो आई सॉकेट में कुछ होता है, स्ट्रेन पड़ता है। सो लेट्स सी यू इन बेल्जियम। You have tulips also going on, but look at the size. Could you look at this? Wow! So pretty. हमारा लगेज। Wow! पेरिस बर्सी सेन के साइड वाला एक एरिया है, वहाँ पे पार्क था, वहाँ पे बैठे थे आराम से। मुझे पहले था कि हम बाहर बाहर से जाएंगे, फिर मेरे को पार्क के अंदर से भी रास्ता दिख गया, मैंने कहा यहीं से चलते हैं। एंड देन वी केम अक्रॉस दीज। That's a very different smell. मेरे face जितना है। So pointy, इतना बड़ा पेड़ है ये। इन्हें इसकी length देख। I wanna hug this tree. Whee! चीटियाँ? कोई बात नहीं। Thank you. ऐसे luggage लावारिस छोड़ के photo खींचने लग गए हम। मम्मी से बड़े दिनों बाद अच्छे से बात करी है, पिछले 3-4 दिन से बात हो नहीं पा रही थी अच्छी। यहाँ पे हमें प्रॉपर आधा घंटा का टाइम मिला ना, मैंने दबा के अपना फ्यूल भरा है। मम्मा फ्यूल ऑल दो कभी भरता नहीं है बट काम चलाओ फ्यूल भर गया है। अब फटाफट चलते हैं, ज़रा नेविगेशन देख लेते हैं। बट लुक एट दिस मैन, हाउ प्रीटी। क्या हुआ? बर्ड है बुद्धू। हाँ आवाज़ तो आ रही है। बर्ड है खेल रहे हैं। ऐसे चलाया। सो नॉर्मली दिस इज़ द रूट जो मैं लेती हूँ, ये बरसी विलेज की एंट्रेंस होते हुए जाता है, तो वहाँ से यहाँ से। अरे ओ, किसने बोला दो दो टैचियाँ लेके आओ है? अब सामान लाओगे ढोना तो पड़ेगा ना। एंड देन यहाँ से राइट जाके बरसी बस स्टॉप। बट हम बट हम यहाँ से आए हैं तो बस 2 मिनट वॉकिंग और है, देन विल रीच। ऑल गुड, शैल वी गो? या इधर से आ जा जीनी, आगे से आओ। ये रेड है, एनी विच में वेट करना पड़ेगा। क्या नाम है उधर वाले होस्ट का? मे माय बर्थडे मंथ। बेल्जियम पहुंच चुके हैं, पहला स्टॉप बिकॉज आई वाज सुपर हंग्री एंड आई नीडेड सम एनर्जी। तुझे अच्छे लगे ना ये? मैंने जिंदगी में पहली बार खाया ना। पहली बार पेरिस में, दूसरी बार व्हाटएवर। कितना फ्लॉन्ट करना चाहता है तू पेरिस। हां आई कैन सी दैट ऑलरेडी। ये कोड लॉक दबा। 4-6-4-6 ये। ओप्स, तो यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, नो शूज ऑन द स्टेयर्स, आई रेकन दे आर क्लीन, इट्स ऑल प्रॉपर। हाँ, मे एंड जून। ओह ओके, मोर स्टेयर्स। आई होप इसके ऊपर ना हो। आई थिंक टू। दिस हैज टू बी आवर मास्टर ऑफ पिक्चर्स। हाँ, वाओ।
किचन वर्किंग इन सच बिग किचन वाओ दिस इज लाइक ड्रीम ओके बहुत सारी हैं वाओ इट्स सो ब्राइट एंड सनी एंड हैव यू हैड अ लुक एट द किचन सो मेनी प्लांट्स मैं तो भूत बनी पड़ी हूँ आई नीड अ शावर हाँ फ्रेश एज अ ड्यू सो अब थोड़ा सेटल इन होते हैं ताम जाम खोल लिया थोड़ा सा अरेंज करते हैं बिकॉज माड़ा मोटा दो दिन तो रहना ही है एंड दिस प्लेस इज इतनी क्यूट एंड दे हैव प्लांट्स एवरीवेयर तो आई एम वेरी हैप्पी किचन में देर आर मोर प्लांट्स सो आई जस्ट शो यू एंड इट्स लाइक यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है जिस कपल के घर पे हम हैं तो बहुत सीधी इंस्ट्रक्शंस हमें आई थी नॉट टू मेक एनी नॉइज दिस इज द किचन एरिया सो भैया मैं तो पूरा फ्रेश व्रेश हो गया आई एम फीलिंग लाइक डिवाइन कल भी नहीं नहाए थे और आज सुबह तो हम ट्रैवल ही कर रहे थे तो बस थोड़ा सा रूम सेट करके आई एम जस्ट गोना रिलैक्स आई एम सुपर हंग्री हम दोनों ने सुबह से कुछ उसने तो सैंडविच खाया है और मैंने अभी हमने ये रास्पबेरी खाई थी रास्ते में और जब तक हमारा नेक्स्ट क्या खाना है नहीं फिगर आउट होता आई एम गोना हैव मैंगो मैं सुबह से फ्रूट्स ही खा रही हूँ मेरे को कल से मन हो रहा था कि आज ना मैं थोड़ा खाने से हट लेती हूँ मतलब लाइक थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ बिकॉज दो तीन दिन से बर्गर फ्राइज ये सब हो गया था तो मैंने कहा ठीक है लेट मी जस्ट टेक अ लिटल पॉज सो आई एम गोना हैव माई मैंगो एंड कॉल इट अ डे फॉर नाउ फॉर दिस व्लॉग And I'll start a new one if we'll go out or do something or I don't know. We'll see. But for now, this is the end of this vlog and I'll see you in the next one. Alright, तो गूफी अपना थोड़ा सा सामान अरेंज कर रहा है रीअरेंज कर रहा है मैंने एक व्लॉग एडिट कर लिया नेक्स्ट एडिट पर लगा दिया है मेरी हालत पहले से बेटर है बस वही है कि अब थोड़ा सा नाक वाक बंद अब होनी शुरू हो गई है अभी हम थोड़े कपड़े वपड़े धो रहे हैं क्योंकि कल हमें यहाँ से निकलना है बेल्जियम से और अभी तक मैं नहीं बाहर निकली हूँ ये फिर भी शाम को कल गया था और कल जो ये हरकतें मार के आया मतलब ही केम बैक अराउंड 12 मेरी उसी टाइम नींद खुली थी क्योंकि मैं 8 बजे सो गई थी कल मैंने अपनी अदरक की चाय बनाई और सो गई आउट फिर सीधा 12 बजे उठी जब ये भी आया और फिर इसने मुझे बताया ये क्या क्या करके आया है पहले यू गाइस वॉच ऑल दैट मैं तब तक नीचे जाती हूँ और मशीन फिगर आउट करती हूँ वॉशिंग हैव एट इट मैंने आज सोचा कि मैं अकेले जाऊंगा घूमने दो बार मैं सीढ़ियों से गिरा हूं पता नहीं तुम लोगों को ये दिखेगा या नहीं मैं स्कूटर चला के घर पहुंचा हूं विदाउट इंटरनेट मुझे नहीं पता कैसे मैं मुंह के बल ऐसे फेंस में घुसा हूं मेरा चश्मा टेढ़ा हो चुका है बट तू ऐसे कैसे घुसा तेरा ध्यान कहीं और था या क्या और कैसे घुसा फेंस में एक बार पता है क्या हुआ हो गया एडवेंचर आज के लिए मतलब एक दिन तो अकेले घुमा टुंडा हो गया है यार उन सीढ़ियों से पहले मैं फिसला एक बंदा बंदी बैठे थे उन्होंने मुझे देखा और किसी ने नहीं देखा मुझे दुर 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 करते आई मैं गया सुसु करने दुर 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 करके गिरा स्कूटर से कि पैदल पैदल मैं कैफे में था मैं सुसु करने गया था उनका सुसु ऊपर था सबका नीचे होता है फिर उन बंदा मंदी ने मुझे यूं किया मैं कहा फिर उसके बाद में ना एक बंदा था वहाँ पे बहुत दांत फाड़ के हंस रहा था और वो तुझे देख के अच्छा वैसे वो मेरी तरह ना बार हॉपिंग कर रहा था एक बार से दूसरे दूसरे तीसरे लास्ट में हम लोग एक बार में पहुंचे फिर उसने मुझे इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया मुझे यूं किया था दिखाइयो भाई टेढ़ा हो गया वो बंदा गया सुसु करने वो बंदी गई सुसु करने दो बार वो नहीं गिरे
मैंने कब मैं जाता हूँ, दे लाइक ऑल द बेस्ट, आई वाज लाइक ओके ऐसे रेलिंग पकड़ के उतर रहा हूँ, एक एक सीढ़ी मेरे हाथ में रह गए और मैं नीचे उसके बाद में उन लोगों ने कहा यू ओके, मैंने कहा ओके, मैंने कहा आई एम यूज्ड टू दिस। अभी तक तो मेरे साथ एक बार भी नहीं गिरा। फिर वो लोग चले गए, फिर उसके बाद मैंने लिया स्कूटर, अब मैं हूँ छह बियर मैंने पी है। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मेरा नेट नहीं चल रहा दोनों फोन में। तो नेट कैसे नहीं चल रहा था, ठीक फिक्स करके दिया था तूने, फोटोज भी तो भेजी है मेरे को। वो जब तक मेरा वन प्लस चल रहा था उसके बाद वो नहीं चला नेट मेरा, इतनी पतली सी गली थी, इतनी पतली, मैं उसमें स्कूटर चला रहा हूँ, मैं यूं ही चला रहा हूँ, मैं जाती हूँ ने बोला है स्टॉप दिस अनोइंग थिंग, मैं पता है फेंस में घुसा यूं और मैं चश्मा यूं होके नीचे गिर गया गलियारे में, मैंने ढूंढा अंधेरे में, फिर मैं चश्मा लगाया, फिर एक बंदा बन दिया है और उसने मुझसे पता नहीं किस भाषा में क्या बोला, मैंने कहा या बहुत छोटे आई एम ईगोज पाबी जी, मैं की बतावा पाबी जी। कुछ खाना है, भूख लगी है? नहीं, या बियर से पेट भर लिया, भर लिया भी ये नहीं, कुछ तो खा ले, इट्स नॉट ओनली मी हु नीड्स रेस्ट नाउ। अब मैं कैसे सूटकेस घसीटूंगा, तू अपने आप को कैसे घसीटे मेरे पूरे चोटे, अरे हल्दी पड़ी होगी, दूध नहीं है बट हमारे पास, गंजे पूरी मेरे चोटे हैं, हल्दी का दूध बना दे तू केकड़ा। I actually needed it. I know. मैंने सब कुछ चार्ज पे लगाया, फोन वहाँ रखा, सो गई। मैंने चाय भी पी थी, अदरक की चाय भी, अदरक मुंह में डाली थोड़ी देर, बेटर लगा। हाँ बेहतर लगा, तो बेहतर लगा, बेहतर लगा, बट अभी भी गला इज हर्टिंग। बट वहाँ मैक्सिमम ही सभी लोग इंग्लिश बोल रहे थे, तभी मैंने देखो आराम से भेज दिया। एक्सेप्ट फॉर द ग्रॉसरी स्टोर्स, मैं पता तीन पे गया, मुझे जरा योगर्ट कहीं नहीं मिला। बट तू कुछ लाया तो है, क्या लाया? मैंने नशे में रखा है शायद फ्रिज में, जो भी तू लाया पता नहीं, बट योगर्ट नहीं था। चल कोई नहीं, योगर्ट मैं अभी खा भी नहीं सकती। मैंने बोला फ्लेवर योगर्ट, मैंने कहा उंगला माय फ्रेंड व्हाट डू यू वांट, मैंने कहा फ्लेवर योगर्ट, कहते कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इट इज, मैंने कहा मिल्क। ए भगवान, इतना बुरा तो एक्सप्लेन करके आया, आई नो, सीधा बोलना था योगर्ट मैंगो। मैंने बोला दो तीन बार योगर्ट योगर्ट, उसे समझ ही नहीं आया, फिर मैंने कहा मिल्क फ्रॉम मिल्क यू सड़ाओ मिल्क, मैंने बोला यू सड़ाओ मिल्क योगर्ट। हाँ, फिर उसने उस बंदी को बताया, फिर उसने कहा सॉरी मैं नीचे ही उतर रही हूँ, बस वॉशिंग मशीन की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ पे शोर नहीं मचाना बिल्कुल भी, इसलिए बहुत धीरे बोल रही हूँ। इस बेचारे को समझ नहीं आ रही है, इसमें पानी है नहीं, नहीं ये तो फेंकने का होता है, और ये वाला पानी तो मेरे ख्याल से फेंकते थे टिफनी और थॉमस। सो प्रिटी, आई थिंक हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे फिर, कोई बात नहीं। ये क्या है, कैसे खोलेगा ये, खोला तूने, डाल दिए कपड़े, ये किसी और के पड़े हैं, ये हमारे ही हैं, तो हम ना हाथ से डाल देते हैं ये। ये यहाँ पे क्या है, वो इसको साफ, नहीं नहीं वो इसको साफ करने के लिए होता है, इसमें कपड़ों के ना रेशे आ जाते हैं, तो इसको साफ करना होता है निकाल के, ये खोल के दो ढक्कन डाल दे। नहीं दिस इज समथिंग एल्स, बस मिक्स 1 आवर ड्यूरे, दो घंटे तो लेंगे, इतने भी गंदे नहीं है हमारे कपड़े।
2 घंटे में ड्राइव ही हो गए आएंगे मेरे हिसाब से। पूजा भाई लगेगा टाइम लग छोड़ देते हैं ना रात को निकाल लेंगे। मुझे अभी पता चला ना दिस न्यू वे ऑफ पैकिंग। यस बिकॉज माय फ्रेंड्स चीप। आई हैड नो आइडिया दैट यू हैड नो आइडिया अबाउट दिस। आई आस्क्ड यू। मैंने तुझे बोला था ट्रैवल पाउचेस ले ले। तूने कहा कहां से लूं इस टाइम पे। मैंने कहा ठीक है जैसे कर रहा है करने दो आप पे सीख जाएगा लड़का। ओके अब बता 1:15 हो रहे हैं कितने बजे निकलने का विचार है। मैक्स एक तो इस लड़के की सेंस ऑफ टाइम इज शून्य। आधे घंटे में पॉसिबल नहीं है। 2 बजे शुक्र है इन्होंने ये चीज साइड में दिया है अंदर डाल के नहीं दिया। हेलो अमीगोस फ्रॉम माय रेड रनी नोज। अभी हम एक लौती जगह आए हैं ब्रसेल्स की। GoPro भी चार्ज पे है तो इसलिए दिस वियर्ड एंगल एंड आई जस्ट फ्लिप अराउंड। देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ग्रॉ प्लास इन ब्रुसेल्स। तो हम वहाँ पे आए हैं बस। हमारे पास 2 घंटे हैं बिफोर वी कैच आर बस टू पैरिस एंड देन टू टूलों एंड देन वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस एंड दिस इज द ग्रॉ प्लास। पानी वेस्ट हो गया। बड़ी अच्छी बात है। तुम खाना कम वेस्ट करते हो जो पानी भी शुरू हो गया तुम्हारा। मैं ढक्कन खुला था मैंने टाइम देखा घड़ी में। बहुत अच्छी बात है। These are super expensive. Super expensive. Bella Chow. सबसे गंदी रोड है ये वैसे स्कूटर चलाने के लिए। कुछ दिखता भी नहीं है और अगर स्पेक्स या कुछ शेड्स लगाए हैं वो भी हिलते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू फॉल द अदर डे। वाओ दिस इज द प्लेस आई थिंक यू वर आस्किंग। हाँ यही है। यही है जीनी। ब्रसेल्स में सिर्फ यही चीज है करने की जो हमें दिखी क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था तो ठीक है इस जगह तो आना बनता था वरना तो ऐसा लगता ब्रसेल्स हम आए प्राइमार्क गए और वापस चले गए। और यहाँ पे ना एक स्टैचू फेमस है वो सुसू करने वाला बच्चा। नाम नहीं पता मुझे। अब मुंह खोल के दूसरी साइड करते हैं वरना चक्कर। मैंने मुंह ही खोला था अपनी बार। अब मैं बन जाऊं। अब दोनों मुंह खोलते हैं ठीक है। क्या बोल रहा है। फल खाओ। सारा दिन फल खाती रहती है। तुम गंद खाओ हम फल खाएंगे। ये फ्रूट ले लो वो फ्रूट ले लो फ्रूट 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 फ्रूट। If you like this video, you know what to do. Like, share, subscribe, hit the bell button, leave a long pyar bhara comment, and I'll see you in the next one. Till then, you know what to do. Dream, hustle, and explore. Bye-bye.